ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और क्यों ट्रू और फॉल्स है वो जस्टिफाई भी करना है। 22/7 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। 22/7 का डेनोमिनेटर में देखिए 7 है एज प्राइम फैक्टर। अगर प्राइम फैक्टर्स हमारे 2 और 5 होते या ओनली 2 एंड ओनली 5 होता तो उसका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इन 22/7, नहीं तो इन नहीं लिखे, 22/7 हैज 7 एज इट्स प्राइम फैक्टर इन द डेनोमिनेटर। If it had only two, only five, only twos लिख देते हैं, only twos, only five और both two and five in its denominator, then it would have a terminating decimal representation. ऐसे लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है 51/5/112 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 5/112 का हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2, 2 जा 4 11, 2 5 जा 10, 1 2, 2 6 जा 12, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 और 6 नीचे आए 16, 2 8 जा 16, डिवाइडेड बाय 2, 64 डिवाइडेड बाय 2, 32 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में देखिए ओनली 2s हैं तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये ट्रू है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग लिखते हैं। फाइव पॉइंट ट्वेल्व इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5/112 इक्वल टू 2 को 9 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करने से हमें 5/112 मिलता है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5/112 आर ओनली 2s, so it will have, so 51/5/12 will have a terminating decimal representation. नाइनटीन बाई 45 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो 45 पे देखिए प्राइम फैक्टर्स, 45 डिवाइडेड बाई 3 15, डिवाइडेड बाई 3 5, डिवाइडेड बाई 5 1। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 में हमारा 3 × 3 × 5 है, तो 5 है लेकिन 3 भी है। तो अगर 2, 5 या ओनली 2s या ओनली 5s होते तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, तो इसका नॉन टर्मिनल रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो ये ट्रू है।
इसका जस्टिफिकेशन भी हम लोग लिखते हैं, 45 इक्वल टू 3 × 3 × 5, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 आर 3s and 5. Since it has prime factors other than 5, so it will have a non-terminating repeating decimal representation. ऐसे लिखेंगे, ये सारे explanations.